आज आप लोग के द्वारा कलश यात्रा निकाला गया, किस लिए, किस पर्पस से? यहाँ पर भागवत सप्ताह 7 दिन के लिए रखा गया है, इसके लिए हम लोग कलश यात्रा किए थे। और इसके बाद 7 दिन ये कार्यक्रम होगा, उसके बाद 8वें दिन विसर्जन है। सरस्वती पूजा के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम हो रहा है। भागवत कथा में कहाँ से कथावाचक आए हुए? वृंदावन से, राधा किशोरी जी हैं भागवत कथावाचक, और उनके सब सहयोगी लोग। आज कलश यात्रा निकला, कथा का समय क्या है कल से? कथा का समय है कल से सायं 6 बजे से लेकर 10 बजे तक। कथावाचक कितने हैं? कथावाचक एक है। एक है और उनके साथ पूरी मंडली है? उसके साथ मंडली है। ये कचनार में आयोजन हो रहा है और कलश यात्रा में करीब 500 लोग, मतलब जितने औरत हो, बच्ची हो या फिर बच्चे हो, तमाम लोग इसमें भाग लिए। क्या कहिएगा, इसका आयोजन ये कितने वर्षों से चलता आ रहा है या फिर नया शुरुआत है? नहीं, ये तो बहुत वर्षों से चला आ रहा है। सरस्वती पूजन तो बहुत वर्षों से चला आ रहा है, लेकिन भागवत की का जो ये कथा है वो विगत 4-5 वर्षों से चल रहा है। विगत 4-5 वर्षों से? इसके पहले यहाँ पे कुछ और आयोजन कराया जाता था? इसके पहले यहाँ पर बच्चे सब ड्रामा वगैरह खेलते थे। बहुत दिनों तक यहाँ का कार्यक्रम सन 1975 से हो रहा है, और 1975 से बच्चे सब ड्रामा खेल रहे हैं, और उसके बाद अब ये अभी नया परिवेश में भागवत का शुरुआत हुआ है, जो 4 वर्षों से चल रहा है। यानी आपके अनुसार कहना है कि ये ड्रामा जो है पुराना चीज हो गया, पुरानी संस्कृति हो गई। जी जी। और नया में जो संस्कृति यानी कि कथा के तरफ, सनातन के तरफ, कचनार गांव कहीं ना कहीं अब मुड़ कर रहा है, कहीं ना कहीं तरफ घूम रहा है जी। आपके अनुसार? जी, यही है ना। कथा का आयोजन कचनार में हो रहा है। बिल्कुल, हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हम इस गांव के वासी हैं, जिस गांव में लगभग 3 जगह, पूर्व टोला, पश्चिम टोला, उत्तर टोला और दक्षिण टोला, ये 3 ऐसा फंक्शन है जो हमारा पूरा पंचायत राज भगवामय हो जाता है और सनातन धर्म की जय जयकार हो जाती है। हमारे यहाँ महाराणा संघ की ओर से ये बसंत पंचमी के अवसर पर प्रस्तुत किया जाता है। उत्तर टोला में नवजुवक नाट्य कला परिषद की ओर से छठ पूजा के अवसर पर प्रस्तुत किया जाता है, और दशहरा में जनहितकारी पुस्तकालय नाट्य कला परिषद की ओर से प्रस्तुत किया जाता है। हम इस गांव के बहुत ही भाग्यशाली आदमी हैं। हम सभी अपने सनातन धर्मियों से कहते हैं कि ऐसे प्रोग्राम हमारे गाँव में हमेशा चलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। आज जिस तरह से अपार भीड़ देखने को मिली, क्या कुछ कहेंगे हम क्या? इसके लिए हम तहे दिल से अपने सारे ग्रामवासियों को, माता बहने, भाई बहनों, बुजुर्ग गार्जियन, जितने भी लोग हैं, उन लोगों का हम आभार व्यक्त करते हैं कि इन लोगों ने मेरा खुलकर साथ दिया। कलश यात्रा में भारी भीड़ देखने को मिली, क्या कुछ कहेंगे आप? बहुत बड़ी खुशी मिली ये देखकर। इतना ज्यादा उत्साहित हो गया हमारा संघ कि इससे भी बेहतर हम लोग करेंगे, जिससे काफी, क्या कहते हैं, जिसे काफी लाभान्वित हो हमारे गांव के लोग। हम इस गांव में हैं और संघ के द्वारा ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है, और उस संघ के हम एक छोटे से सदस्य हैं, ये सोच के हमें बहुत खुशी मिली। और आज का जो कलश यात्रा बाबा उद्वाहन बाबा के प्रांगण से निकली है, और जितने संख्या में निकली है, ये देख के बहुत मन खुश हुआ। और हम सभी सदस्यों का सहयोग से जो ये कार्यक्रम चला, इसमें सबका सहयोग है। इन सारे सदस्यों के द्वारा ही ये कार्यक्रम हम सफल कर पाए हैं, ये सोच के बहुत खुशी मिल रही है। और हम इसी तरह पूरे ग्रामवासियों का सहयोग रहेगा तो प्रत्येक वर्ष महाराणा संघ के द्वारा इससे भी बेहतर कार्यक्रम होगा। इसमें नवयुवक काफी बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं। एक चीज कहा जा रहा है जो कि आपके द्वारा बार बार कहा जा रहा है, संघ के द्वारा, इसमें मतलब पूरे पंचायत वासी शामिल है या फिर संघ है? महाराणा संघ में देखा जाए तो पूरे पंचायत के लोग भी इसमें हैं, मगर कहने का मतलब है कि हमारे पूरे ग्राम पंचायत में 3 संघ, जैसे हमारे सीनियर सदस्य जी ने बताया कि 3 संघ चल रहा है,
छठी माई का एक है और एक जनहितकारी पुस्तकालय और एक हमारे हैं। हमारे यहाँ पे जो भी महासंघ के सदस्य हैं इनके द्वारा ही ये कार्यक्रम स्वचालित हो रहा है। जो इसमें आप लोग को पूरे पंचायत वासियों का प्यार स्नेह सहयोग मिल रहा है? हाँ, सब मिल रहा है, पूरे ग्राम पंचायत से और बाहर के लोग से भी मिल रहा है। यहाँ पे बाहर से भी सपोर्ट कर रहे हैं लोग, देश में भी जो हैं, विदेश में भी लोग हैं, दूर दराज से भी जो लोग हैं बाबा के सेवक, वो भी सहायता कर रहे हैं। उनके सहयोग के माध्यम से ही ये कार्यक्रम सफल हो पा रही है। अच्छा, एक चीज कहा जाए, अगर यहाँ पे कचनार पंचायत जो कि संख्या यहाँ काफी है, काफी इसमें टोले आते हैं, बहुत सारे लोग हैं। जी जी, एक चीज कहा जाता है, अगर दूसरे गांव के लोग, दूसरे पंचायत के लोग अगर यहाँ पे आते हैं तो उनके लिए सुरक्षा की बात की जाए, व्यवस्था की बात की जाए, किस प्रकार से है? व्यवस्था किया गया है किस प्रकार से, वही तो जानना चाहते हैं। अगर जो आने में असमर्थ है उनके लिए गाड़ी का भी व्यवस्था किया गया है, अगर उनका कॉन्टेक्ट नंबर दिया गया, अगर वो कॉन्टेक्ट नंबर पे कॉल करेंगे उनको वहाँ से लाने का व्यवस्था भी महासंघ के द्वारा ही पहले ही क्लियर किया जा चुका है। मतलब अन्य अन्य गांव से कोई आना चाहते हैं तो उसके लिए आप लोग ट्रैवल का सुविधा दे रहे हैं? ट्रैवल का सुविधा दे रहे हैं, पहले ही निर्धारित किया, हमारे संघ के मेन मुखिया जो है इनके द्वारा ही निर्धारित किया गया है कि जो भी आना चाहे बाहर के गांव के लोग को, उनको व्हीकल का व्यवस्था दिया जाए संघ के द्वारा, निःशुल्क है संघ के द्वारा। प्रोग्राम बोलिए, कृपा से हो रहा है, सभी भाई बंधु इसमें लगे हुए हैं, सर सफाई एक महीना से इसमें कर रहे हैं, मठिया में सबका विश्वास है, उद्भावन बाबा के कृपा से ये सब काम हो रहा है अच्छा से। आपका नाम? मेरा नाम राधेश्याम सिंह है, मेरे भाई है जो एक महीना से इसमें सर सफाई में लगे हैं, मठिया का रौनक बढ़ा दिए है। सबसे पहले हम एक कचनार ग्राम के सभी जनता के तरफ से, अपना तरफ से भी इन मीडिया बंधु लोग के शुभकामना दें कि जे ये हमारा काम के कवरेज कर लो सर, ओकरा खातिर हम लोग के दिल से बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। आ साथ ही भोजपुरी के आठवीं अनुसूची में लावे खातिर हम भोजपुरी भाषा के, अपना भाषा के आगे बढ़ावतनी, ताकि हमने के भाषा आगे बढ़े। ऐसे का हुई कि इहो हमने के भाषा शामिल हो जाए, जौन से आगे बढ़े हम सब। भोजपुरी में तो प्रचुर मात्रा में अश्लीलता है, तो फिर भाषा आगे कैसे बढ़ेगी? अरे अश्लीलता को हम लोग धीरे ही धीरे दूर करेंगे ना बाबा, अश्लीलता बा धीरे धीरे खत्म कर जाये, हम खत्म करम तनी रउआ सहयोग करम, सब लोग सहयोग करी, खत्म हो जाये। अगर ओकरे के बढ़ावा देम सन तू तो बढ़बे करी, खत्म कहाँ से हुई? भोजपुरी के ऐसा बात नहीं, ऐसा बात अगर कल जाओ, हम भोजपुरी में बोलता नहीं, ये कुछ इस बात कल जाएगा, व्यवस्था के बात कल जाओ, आज जाओ ना उद्देश्य से ऐसा रहुआ सब उपस्थित बानी, आज जाओ ना उद्देश्य से हम नहीं कल बने जा, ये विषय पे बात कल जाए, बिंदु पे बात कल जाओ, रहुआ सब नौजवान बानी और पीछे भी नौजवान टीम दिखता, जे तरह के व्यवस्था आज लोकल है कलश यात्रा में कोनो हृदंग कोनो प्रकार के अनहोनी ना मिलल, यही तरह से 2 तारीख तक आयोजन चली, यही तरह से बरकरार रही? जी जी जी, ओमे कोनो शक नहीं थे, यही तरह से बरकरार। काफी चीज कहल जाइए, जा औरत भी सुने आई है, बच्ची भी सुने आई है, कहीं ना कहीं लड़का भी आई है या बुजुर्ग भी आई है, बहुत तरह तरह के लोग जाए, वो तरह के बैरिकेटिंग के व्यवस्था जा कल गिल बा, हर चीज के व्यवस्था बा, जब कथा शुरू हुई तो करा के रुआ आएम कवरेज करे देखे के जरूर मिली, कैसन कोनो हमनी के तरफ से गलती ना होखे कि जौना से केहू दूर दराज से भी महिला बच्ची भी आओ तरी से उनकन के तकलीफ पहुंचे, ये जी हर प्रकार के व्यवस्था कल बा। और साथ ही साथ बात ई बा कि जोन भागवत कथा होता सरस्वती पूजा के उपक्ष में, लगभग 50 बरस से मठिया में चलता होता, और भागवत कथा के 4-5 साल से ऐसे बढ़ावा देहल जाता कि जोन हमनी के हिंदू धर्म बा ये पर बहुत बहुत लोग टिप्पणी करता, एक से एक लोग टिप्पणी करता, पूरा धर्म के लोग हिंदू धर्म के पीछा पड़ गई बा कि कुछ ना हो, ऐसा कोनो बात नहीं है। अभी धीरेन्द्र शास्त्री जी के देखे के मिलल है, धीरेन्द्र शास्त्री जी पर कतना अथी भइला, ओ के चलते हमने के भागवत कथा के कहनी सन कि ना एकरा के कथा के पूर्ण रूप से करावल जाओ, जमना के चलते हमने के धर्म के भी बढ़ावा मिले आ लोग सनातन धर्म के अपनावे, धर्म मत छोड़े। मारा राम घनश्याम कुशवाहा, यहाँ पर आप सुनते हैं कि लगातार सेवा दे रहे हैं लगभग 15-16 सालों से, असो हमारा 18वां साल हो गया। अच्छा, क्या आस्था, क्या है, पैसा देते हैं क्या लोग समय से? समय से पैसा मिलता है, समय से क्या पहले मिलता है। डिस्काउंट भी देते हैं? डिस्काउंट भी देते हैं हम ना? हाँ हाँ, बाबा के नाम पर हमारा 100%
कितना परसेंट श्रद्धा है? 50% 50% दे देते हैं और जगह फूल ले लेते हैं। जितना काम करते हैं यहाँ पर उसके अपेक्षा हम मैंने यहाँ पर बुझिए जो पैसा की कोई बातें नहीं है, मतलब पैसा का कोई महत्व नहीं है, श्रद्धा है, सेवा है। कौन सा टेंट हाउस हुआ? रोशन टेंट हाउस टारी बाजार। आ किसी को संपर्क करना हो आधा परसेंट मतलब 50% में साटा के लिए तो देखिए धर्मस्थल के लिए तो हम कब तैयार हैं, और बाकी के लिए फूल शादी विवाह होगा तो उसमें क्या कंसेशन करना है? ठीक है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? हम कहता नहीं कि जितना भी महाराणा संघ के सदस्य रहन पूरा गांव के सहभागिता है मेरा सह और सुरक्षा के दृष्टि से अगर बात करके चाहते हैं और भीड़ के बारे में बात करते हैं तो हमने के रल सा कि पूरा गांव के डोर टू डोर टच कर ले बनी सन हमने के जाके एक तो हमने के जुलूस के माध्यम से या गाड़ी प्रचार कर ले बनी सन तो वो अलग चीज़ बा। हर एक घर में जाके कहले बनी सन करूँ आवे के बाद कल साल एक बार सुरक्षा के जिम्मेदारी हमने के बाटे और कोनो तरह के घबराहट नहीं के होते थे तो हमने के बहुत ज़्यादा प्रभाव डाल ले बा जैसे भारी संख्या में यहाँ सारा लड़की महिला और बुजुर्ग जौन भी बरन यहाँ पहुँचला हन पहला ही सुरक्षा आगहू सुरक्षा ही बरकरार रही है। हाँ एक खातिर हमने के सुनिश्चित करते हैं सन कहे कि संघ के जितना भी सदस्य बारन वो हर समय यहाँ उपस्थित रहें कोनो तरह की कोनो व्यक्ति के समस्या होता तो संपर्क सूत्र दिया गया बा वहाँ डायरेक्टली समस्या कर समस्या अपन रख सकते हैं उनका समाधान हो उचित। संपर्क सूत्र बताइए छोटू सिंह के नंबर नंबर बताइए 9631573323।